नमस्ते आदर्श विद्या मंदिर में सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन। आज अपन कक्षा षष्ठी में विज्ञान विषय में 13वां पाठ है चुंबकों द्वारा मनोरंजन, जो हमने शुरू किया था पिछले सेशन में, वो पढ़ेंगे। कक्षा षष्ठी विषय विज्ञान अज्ञात ग्यारह चुंबकों द्वारा मनोरंजन। चुंबकों द्वारा मनोरंजन विषय अपने पिछले शुरू शुरू किया था, अपन ने पढ़ा था चुंबक कैसे खोज गया, चुंबक कितने प्रकार की होती है, चुंबक जो प्राचीन यूनान में घट गया था उसके पास जो छठ थी उस पर लोग टोपी लगी हुई थी, वो मैग्नीशियम नामक स्थान पर मैंने कई पत्र की खोज की जिसको बाद में नाम दिया था चुंबक। और चुंबक दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक। कृत्रिम जो प्रकृति से प्राप्त होती है, और कृत्रिम चुंबक बहुत चुंबक होती है मानव द्वारा निर्मित होती है। प्राकृतिक चुंबक है जो मैग्नेटिक थी हेटे में खोज की थी, मैग्नेट नामक प्रक्रिया है यूनान से खोज की थी, वो थी प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक और कृत्रिम दो प्रकार पड़े थे अपने। कृत्रिम चुंबक तो मनुष्य बनाता है व्यक्तियों में, मानव निर्मित चुंबक और कृत्रिम चुंबक होते हैं अपने प्रकार पर। कृत्रिम चुंबक है घूर्णा चुंबक, प्रेरणा चुंबक, क्षण चुंबक, ये कृत्रिम चुंबक है। आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय और अनुचुंबकीय पट्टा। आज का प्रकरण है चुंबकीय व अनुचुंबकीय पट्टा। दोनों की परिभाषा आप ध्यान देखिए, यहाँ सर्वप्रथम है चुंबकीय पट्टा। चुंबकीय पट्टा किसे कहते हैं, ऐसे पट्टा जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती है उसे चुंबकीय पट्टा कहते हैं। ऐसे पट्टा जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती है या चुंबक की ओर ओवरटर्न आकर्षित होते हैं उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है, कोपर आदि चुंबकीय पदार्थ है। लोहा कोबाल्ट निकल ये पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित करते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिसको चुंबक अपनी ओर खींचती है या जिसको बहुत ज्यादा आकर्षित करती है उस चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लोहा कोबाल्ट और निकल में चुंबकीय गुण होते हैं, यानी ये चुंबक की ओर आकर्षित करते हैं या चुंबक इनको अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए इसको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। दूसरी परिभाषा है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करती है या वो पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो
प्रसिद्ध है, नहीं होते हैं। अर्थात चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित न करती है, उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती है वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ उदाहरण नंबर एक प्लास्टिक, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, जिन पदार्थ को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती है वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और जिन पदार्थ को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करती वो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।